नमस्कार दोस्तों। वैसे तो अमेरिका पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार बेचने का काम भी अमेरिका ही करता है। तो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की कथनी और करनी एक है? क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर क्या पश्चिमी देश इस काबिल है कि दुनिया उन पर भरोसा करे? भरोसे के पैमाने पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या फिर अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व को दुनिया भर में कायम रखने के लिए एक फेक नैरेटिव का सहारा लेता है? कि क्या दुनिया भर के हथियारों का जमावड़ा करके और दुनिया भर के देशों को हथियार बेचकर दुनिया भर में शांति ला जा सकता है? क्या ऐसा करके दुनिया में शांति कायम की जा सकती है? अमेरिका के चरित्र पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के चरित्र पर आपको एक बार फिर से शक होगा जब आप इस डेटा को देखेंगे। दुनिया के तमाम देशों में मानव अधिकारों और शांति का राग अलापने वाले ये देश कितने झूठे और मकार हैं, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आज करेंगे बात हम अमेरिका और उनके जो पिछलग्गू देश है ना, उनके चेहरे के पीछे के चेहरे के बारे में, जिससे सामान्य दुनिया हर वक्त अनजान रहती है। दुनिया भर में शांति के सबसे बड़े ठेकेदार के रूप में खुद को दिखाने वाले ये पश्चिमी देश और इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है ना, आपको इस डेटा से पता चलेगा। लेकिन इन सबसे पहले आपका जानना बेहद जरूरी है ना कि इन तमाम देशों का रिकॉर्ड रहा कि आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अशांति फैलाने वाले देश रहे हैं। इससे पहले कि हम हथियारों को वर्ल्ड मार्केट में इनके भागीदारी और एक्सपोर्ट की बात करें, हम आपको क्लियर कट एक बात बताते हैं, ठीक है? शांति और मानवाधिकारों का रट लगाने वाले ये जो देश है ना, जो पूरी दुनिया भर के देशों को बेवजह इस मामले में सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अशांति भी इन्हीं देशों की वजह से फैलती है। इनका रिकॉर्ड रहा है कि चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध क्यों ना हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सबसे बड़े और मेजर कारण रहे हैं। पहले ताइवान, फिर सीरिया, इराक, ईरान और अफगानिस्तान के साथ साथ रिसेंट में रशिया यूक्रेन वॉर, यह सारी घटनाएं दुनिया के सामने हैं। पर आपको पता होना चाहिए ना, यह पश्चिमी देश जिस भी अन्य देश में घुसते हैं उससे और वहां कदम रखते हैं ना, उसे पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। और यह सब कुछ यह पश्चिमी देश सिर्फ और सिर्फ शांति, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के नाम पर करते हैं, लेकिन इसमें जरा भी सच्चाई कभी नहीं होती। असल इन सब के पीछे की कहानी बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर इन शॉर्ट बात करें तो पहले तो ये देश शांति, मानवाधिकारों और लोकतंत्र के नाम पर किसी अन्य देश में घुसते हैं और फिर उसे अपने और अपने हथियारों की प्रदर्शनी के लिए ना एक जंग का मैदान बना देते हैं। मतलब उस देश के अंदर ना जानबूझकर युद्ध को क्रिएट किया जाता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यह देश उन देशों को ना युद्ध की आग में झोंक देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, बेवजह लाखों बेकसूर लोग मारे जाते हैं और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शांति और लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर होता है। मतलब कि अंत में यह देश यही कहते हैं कि हमने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शांति और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किया था। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे क्या चल रहा होता है? दरअसल ये पश्चिमी देश युद्ध के मैदान में ना अपने अपने हथियारों की प्रदर्शनी करते हैं और इनकी पावर ना दुनिया को दिखाते हैं, ताकि हथियारों के वर्ल्ड मार्केट से ना इन्हें भारी ऑर्डर मिल सके और ये देश इन हथियारों को बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर सके। तो सवाल उठता है कि क्या किसी देश को युद्ध की आग में जलाकर या फिर बड़ी मात्रा में हथियार बेचकर हर तरफ अशांति फैलाकर क्या दुनिया में शांति और लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है? क्या यही तरीका है दुनिया में शांति और लोकतंत्र को स्थापित करने का? अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के बाद यही पश्चिमी देश अंत में उस देश को ना पूरी तरह से खोखला करने के बाद उस देश को युद्ध की आग में जलता और बदहाली की हालत में छोड़कर ना वहाँ से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, युद्ध के कारण किसी भी देश में उत्पन्न हुई अशांति और असंतोष उस देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाता है। एक ही देश के लोग अपने ही लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हैं और परिणाम स्वरूप हर तरफ लोगों की लाशें और खून की सनी मिट्टी होती है। परिदृश्य यानी कि इस भयानक परिदृश्य की कल्पना भी ना हम और आप नहीं कर सकते। इन शॉर्ट अगर कहें तो एक ऐसा देश जो गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है ना, उस देश के लिए और वहाँ के लोगों के लिए नर्क के समान है। और यही हर बार होता है, यह पश्चिमी देश हर समय दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध का कारण बनते हैं, युद्ध को उकसाते हैं और फिर वहाँ उन्हें बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई करके मोटी रकम कमाते हैं। सच्चाई तो यह है ना कि इन देशों के लिए ना तो शांति मायने रखती है और ना ही मानवाधिकार और ना ही लोकतंत्र, किसी कोई चीज से ना इन्हें कोई फर्क पड़ता और मानवता से तो जैसे ये देश हर रोज खेलते हैं। और यही सारी घटनाएं इन पश्चिमी देशों के ना और यही सब घटनाएं इन पश्चिमी देशों के चेहरे के पीछे के चेहरे को उजागर करते हैं। अब बात फैक्ट और डाटा की करते हैं। डाटा बताते हैं कि शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र के नाम पर पूरी दुनिया भर में अमेरिका सबसे ज्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट करता है और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई करता है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि एक तरफ सबसे ज्यादा शांति की बात करने वाला अमेरिका पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा 40% हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया भर के देशों में कुल जितने हथियारों का एक्सपोर्ट होता है, हथियारों के वर्ल्ड मार्केट में कुल ग्लोबल ऑर्डर का 40%, मतलब कि पूरी दुनिया भर के देशों में कुल जितना हथियारों का एक्सपोर्ट होता है ना, हथियारों के इस वर्ल्ड मार्केट में कुल ग्लोबल ऑर्डर का 40% सिर्फ और सिर्फ अमेरिका हथियार बेचता है। और फिर भी यह सब कुछ अमेरिका इन देशों में शांति और लोकतंत्र स्थापित करने
करने के नाम पर ही करता है। अमेरिका का यह राग जैसे कि कभी खत्म ही नहीं होता। यह अमेरिका के दोहरे चरित्र को दिखाता है, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और पश्चिम देशों के यह झूठा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया भली भांति समझती है। टॉप 5 हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रूस आता है, जो हथियारों के वर्ल्ड ऑर्डर का 16% एक्सपोर्ट करता है, जबकि फ्रांस 11% के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है, तो वहीं चीन 5.2% के साथ साथ चौथे नंबर पर आता है। जर्मनी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है और इसमें इसकी भागीदारी 4.2% है। दरअसल इन पश्चिमी देशों में हथियार बेचने वाली कंपनी, इन देशों की सरकारें और इनसे जुड़ी बड़ी बड़ी लॉबी जो है, वो हर वक्त पूरी दुनिया भर में एक्टिवेट रहते हैं, जो कि इनके लिए 24 घंटे काम करते हैं। और दरअसल यह हर वक्त चाहते हैं कि दुनिया में हर समय कहीं ना कहीं किसी देश के अंदर युद्ध होता रहे और कोई ना कोई देश हर वक्त युद्ध की आग में जलता रहे, ताकि इनके जो हथियारों की प्रदर्शनी है पूरी दुनिया में हथियारों को बेचने का जो मार्ग है ना, वो खुला रहे। और अपने इसी मकसद के साथ ये दुनिया के किसी ना किसी देश में कदम रखते हैं, फिर वहाँ युद्ध शुरू करवाते हैं और फिर युद्ध की आग में उस देश को झोंक कर पीछे से उसे अपने हथियारों की बिक्री करते हैं और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई करते हैं। मतलब कि युद्ध भी शांति और लोकतंत्र के नाम पर यही शुरू करते हैं, युद्ध में दूसरे देशों को बर्बाद भी यही करते हैं, युद्ध से ग्रसित जो देश है उनमें बेकसूर लोगों की मौत का कारण भी यही बनते हैं। और इन सबके पीछे दुनिया भर में शांति और लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर सबसे ज्यादा हथियारों को भी यही बेचते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अंत में शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकार का गुणगान भी हर वक्त यही करते हैं। मतलब हद ही हो गया ना। इन सब का सबसे ताजा और अच्छा उदाहरण रशिया यूक्रेन वॉर है। पहले तो इन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का कारण बनाकर रूस को युद्ध के लिए उकसाया, और उसके बाद जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तब यूक्रेन का साथ छोड़कर दूर खड़े यही देखते रहे। इसके बाद जब पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया तो साथ निभाने का बहाना बनाकर पीछे से इन्हीं देशों ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किए, और इनकी इस महत्वाकांक्षा में यूक्रेन के लाखों बेकसूर जो लोग थे वो बेवजह मारे गए। फिर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यही जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, देश शांति, मानवता और अधिकार और लोकतंत्र का राग भी अलापते रहे।